थाने जिले के भंडारली गांव में गौचरण की जगह पर म्हाड़ा द्वारा कब्जा करने का आरोप भंडारली के स्थानीय किसान और रहवासियों ने लगाया है। स्थानिकों का कहना है कि म्हाड़ा ने जिलाधिकारी के साथ मिलकर भंडारली गांव की गौचरण की जगह पर कब्जा कर लिया। इस विषय में भंडारली गांव के स्थानिक किसान और नागरिकों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर परिवर्तन पक्ष के अध्यक्ष नरसिंह गाय समुद्र के नेतृत्व में थाने जिला अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चे के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक निवेदन देकर भंडारली गांव वासियों के साथ योग्य कार्रवाई करने की मांग की। आंदोलनकारियों के अनुसार कल्याण शिलपाटा से सटे भंडारली की सर्वे नंबर 13 गौचरण की जमीन और सर्वे नंबर 80/81 की जमीन पर बीते 5 पीढ़ियों से यहां के किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से गरीब और मध्यम वर्गीय लोग इस जमीन पर निवास कर रहे हैं। भंडारली के किसानों का कहना है कि जिलाधिकारी की सहमति से म्हाड़ा इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना लाने जा रही है, जिसके चलते इस जमीन के किसान और यहाँ रहने वाले नागरिकों को बेघर होने का डर सता रहा है। जो जमीन है सर्वे नंबर 13 ये गुरुचरण जागा आमच्या पिढून पिढ्यापासून आमच्या कब्जावाई वाटत आहे। सध्या ती जागा म्हाडाने कब्जा केलेला आहे। तो आम्हाला कब्जा आम्हाला तो कब्जा मिळावा आणि आमची वाडा वडलापासून पिढून पिढ्यापासून जमीन सर्वे 13 त्या आमच्या नावावर होईल। आमचे गावठाण कृती समिती तयार झालेली आहे। परिवर्तन पक्ष के अध्यक्ष नरसिंह गाय समुद्रे का कहना है कि बीते 4 से 5 पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करने वाले किसानों और नागरिकों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। किसानों और नागरिकों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए गौचरण की जमीन पर लगाए हुए पेड़ पौधों को वन विभाग की अनुमति के बगैर म्हाड़ा ने तोड़ दिया है। साथ ही सर्वे नंबर 80/81 की जमीन पर रहने वाले गरीब लोगों को घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इस संदर्भ में कई बार संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछे गए, लेकिन अधिकारी इस मामले में गरीबों की सुनने को राजी नहीं है। जवळ जवळ आम्ही ह्या जिल्हा अधिकारी कार्यालयावर जवळ जवळ 10 वर्षापासून आमच्या गोरगरिबाला न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी मागणी करतो, पत्र व्यवहार करतो, आंदोलन करतो, उपोषण करतो, मोर्चा करतो, पर ह्या सरकारला आणि ह्या शासनाला आतापर्यंत जाग येत नाही। इकडेकडे एकीकडे पंतप्रधान सांगतात बेघरांना आम्ही घरे देऊ, आणि दुसरीकडे ज्यांचे घर जवळजवळ आजोबा पंजोबापासून राहतात आणि सर्वे त्यांच्याकडे पुरावे असून देखील त्या लोकांना ती बेघर करतात। हे फसवण्याचा धंदा ह्या सरकारनी पंतप्रधानांनी हे बंद केला पाहिजे। सिरके बिल्डर हा म्हाडाला जमीन दिली ह्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी, आणि म्हाडाला दिल्याच्या नंतर आम्ही त्यांच्याकडे वारंवार पत्र व्यवहार करून की ही जमीन काही जमीन आम्हाला ठेवण्यात द्यावी आणि जी जमीन असेल काही जमीन तुम्ही म्हाडाला देण्यात द्यावी, आमचं त्याच्यावर काही हरकत नाही। पर आमच्याकडनं जिल्हा अधिकारी ऐकत नाही तर प्रशासन ऐकत नाही, त्यामुळे ह्या ठिकाणी आम्ही आज आंदोलन केलेलं आहे, निदर्शने केलेले आहेत। तशाच प्रकारे आमची एकच मागणी आहे की त्या रहिवाशांना राहतात त्यांना घरं द्यावे, आणि जी शेतकरी आहे त्यांची त्यांना जी सर्वे नंबरमध्ये असेल तो शेती त्यांना सोडण्यात यावी, अशा प्रकारे मागणी आहे। जेव्हा आमच्याकडं गाव विस्तार होतो तर स्थानिक रहिवाशांना गावाच्या बाहेर जर जमीन नसेल, रस्ता नसेल, पायवाट नसेल तर त्या रहिवाशांनी जायचं कुठं, त्यासाठी आम्ही ती जमीन आम्ही रहिवाशांना मागत आहे। आणि जिसके चलते मंगलवार को भंडारली गांव के किसानों और रहिवासियों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के बैनर तले म्हाड़ा और जिलाधिकारी के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया। इस आंदोलन में परिवर्तन पार्टी के मुमरा कलवा उप संगठक प्रमुख इसरार खान, प्रदेश अध्यक्ष अजय शाह मौर्या, जयपाल कामले, संगठक केनित केनी, राव साहेब बामने, उषा मगरे, सुरेश पाल, निवृत्ति पाटिल सहित भंडारली की जनता शामिल थी। आकिब शेख, जीवार्ता न्यूज़।